दोस्तों स्वागत है आपका जीएस फॉर ऑल में। दोस्तों का आज बात करेंगे, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी की आप छात्र हैं तो आपको जानना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी से कौन कौन पढ़कर किसने कहाँ कहाँ नाम रोशन किया है, किस क्षेत्र में गए हैं वो, और आगरा यूनिवर्सिटी पढ़े हुए छात्र क्या क्या कर चुके हैं। कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्हें आज मैं लेकर आया हूँ, आपको उनके नाम बताऊँगा, उनके कीर्तिमान जो इन्होंने स्थापित किए हैं वो बताऊँगा। आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई पल पल की ये जानकारी आपको ये चैनल फटाफट सबसे पहले उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, घंटी वाला बटन जरूर दबाएँ और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपके सामने नाम है चौधरी चरण सिंह, ये भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और इन्होंने आगरा से क्या कोर्स किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर थे ये, मेरठ से थे, और इन्होंने आगरा से क्या कोर्स किया है वो बताऊंगा मैं। इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, 5th प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने क्या कोर्स किया था आगरा यूनिवर्सिटी से, इन्होंने मास्टर डिग्री ली थी, एमए आर्ट्स करी थी 1925 में, और इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी आगरा कॉलेज से। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी इन्होंने ली थी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ डिग्री 1926, और इन्होंने गाजियाबाद में प्रैक्टिस करी थी, और भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। आगे चलते हैं, आगे नाम लेते हैं। ये नाम बहुत बड़ा है, ये नाम आपको जानना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली वर्तमान में ये नाम बहुत हाईलाइट है और काफ़ी जाने पहचाने हस्ती हैं, लेकिन आप लोग शायद ना जानते हो तो मैं बता दूँ, इनका नाम अजीत कुमार डोभाल है और ये भारत के अभी मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं। और मैं इनके बारे में दो जानकारी ऐसी दूंगा आप अचंभे में रह जाएंगे, ये 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया हैं इस टाइम, अजीत कुमार डोभाल नाम है। दोस्तों जो अभी पुलवामा अटैक हुआ था उस पर जो अभी एयर स्ट्राइक हुई है 2019 में, बालकोट एयर स्ट्राइक, उसकी दिशा निर्देशन इन्होंने ही दिया था क्योंकि ये आर्थिक सुरक्षा सलाहकार हैं। और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में वो भी इन्हीं की दिशा निर्देशन में हुई थी, तो काफ़ी जाने पहचाने हस्ती हैं, बहुत नाम है इनका। और इन्होंने पाकिस्तान में भी करीब 5-6 साल बिताए थे मुसलमान बन के, खूब ANZ में भी रहे थे ये, और इनका नाम सब लोग जानते हैं। और जो दो एयर स्ट्राइक हुई हैं पुलवामा अटैक पे वो इन्होंने करी हैं, और आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र हैं ये। इनके बारे में बता दूँ, इन्होंने क्या कोर्स किया है आगरा यूनिवर्सिटी से, दोस्तों इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी जो कोर्स किया है वो मास्टर डिग्री ली है इकोनॉमिक्स में, जैसे लिखा है मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा, आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर डिग्री ली है। अब दोस्तों आगे एक और नाम बताता हूँ आपको, दोस्तों ये नाम तो आपको जाना पहचाना होगा, आप जानते होंगे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री बने, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये, 10वें प्रधानमंत्री थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इनका बता दूँ मैं, इन्होंने को क्या कोर्स किया था आगरा यूनिवर्सिटी से, इन्होंने जो भी कोर्स किए थे वो कोर्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं, BA हिंदी संस्कृत एंड इंग्लिश, MA पॉलिटिकल साइंस, DAV कॉलेज कानपुर। दोस्तों मैं एक जानकारी और दे दूं, पहले कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं थी, कानपुर यूनिवर्सिटी के भी जितने भी कॉलेज हैं सब आगरा यूनिवर्सिटी में आते थे, बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़ते थे तब वो आगरा यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे, DAV कॉलेज कानपुर में पढ़ते थे लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और वो 10वें प्रधानमंत्री बने। आगे नाम है दोस्तों, ये मुलायम सिंह यादव जी हैं, इनको भी आप जानते होंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने क्या कोर्स किए हैं वो भी बता दूं, और इस टाइम ये पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं आजमगढ़ से। इन्होंने जो कोर्स किए हैं वो कोर्स आपके सामने बता दूँ, इन्होंने जितने भी कोर्स किए हैं वो आगरा यूनिवर्सिटी से किए हैं सब कुछ कोर्स, और जैसे कि लिखा है ये करम क्षेत्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इटावा से पढ़े हैं, AK कॉलेज जो शिकोबाद में है शिकोबाद से पढ़े हुए हैं ये, और BR कॉलेज जो आगरा में है वहाँ से भी पढ़े हुए हैं, और इन्होंने जितनी भी डिग्री ली हैं वो सारी डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी से ही ली हैं। जो कॉलेज मैंने बताए थे इन्होंने BA करी है, BT करी है और MA करी है, MA पॉलिटिकल साइंस से करी है, सारे कोर्स इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से ही करे हैं और ये भी आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जैसे अब आपके सामने नाम लाता हूँ, ये दोस्तों नाम है, ये अब दुनिया में नहीं है, राजेंद्र यादव जी, ये नॉबलिस्ट थे
और आगरा में पैदा हुए थे और आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने सारे कोर्स किए। दोस्तों ये गिने चुने तीन चार में नाम आपके सामने लेके आया था, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी छात्र होने के नाते आपको ये नाम जानने चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जैसे कि अभी इस टाइम समाजवादी पार्टी में जो राम गोपाल यादव जी हैं वो भी आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई करी है। दोस्तों कई ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको तीन चार नाम बताए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अजीत कुमार डोभाल, मुलायम सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये ऐसे नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी छात्र हैं तो एक जनरल क्वेश्चन भी है, कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी छात्र हैं उसके बड़े हस्तियों के आपको नाम पता होने चाहिए। क्योंकि कोई भी आपसे कहता है कि आपकी यूनिवर्सिटी तो ऐसी है, लेकिन आपको उस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस फील्ड में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों ये रोचक जानकारी थी, ऐसी रोचक जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि ये चैनल आपको आगरा यूनिवर्सिटी जुड़ी ही पल पल की जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।